Welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we have read about what is tenses. That was the general theory about the tenses. Then we have learned about time and action, and the first part of present tense was also we have learned that present indefinite. And in our today's video session, we will read about present continuous tense. प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, कॉन्टिन्यूस यानी किसी चीज़ का लगातार चलना. तो जो एक्शन जो हैं उस टाइम पर, टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम पर क्या हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं, इन प्रोग्रेस हैं, उन्हें हम अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिचुएशन या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करेंगे. सो कुछ सिचुएशंस हैं टू एक्सप्रेस वॉट इज हैपनिंग एट द Time of speaking. Time of speaking यानी मैं अभी बोल रही हूँ और वो काम हो भी रहा है in present time. Like I am teaching you. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, I am teaching you English. So इसे हम किस चीज़ में लिखेंगे, present continuous tense के formula के according. The second situation is to express an action which is likely to happen near future. Action जो है वो होने वाला है but near future में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ, वी आर शिफ्टिंग, वी आर शिफ्टिंग टू आर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक. तो हम अगले हफ्ते क्या करने वाले हैं, अपने नए घर में शिफ्ट करने वाले हैं. तो इसे, इस तरीके के सेंटेंसेस हम किस सिचुएशन में रखेंगे, एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. द थर्ड सिचुएशन इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन इन जनरल, यानी कि स्पीकिंग के टाइम पे ना चल रहा हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली चल रहा हो. भाई आजकल फॉग चल रहा है, ठीक है, उसे भी हम किस में करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. आई एम राइटिंग अ नॉवल दीज डेज, आजकल मैं एक नॉवल लिख रही हूँ. मे बी स्पीकिंग के टाइम पे नहीं लिख रही हूँ बट इन जनरल मेरा वो काम किस में है, प्रोग्रेस में है. सो अगर आपका कोई वर्क है, कोई एक्शन है जो कि चल रहा है, तभी भी आप किस में करेंगे, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. मैं एक फॉर्मूले पर काम कर रहा हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम पर हम उस चीज़ को कर रहे हैं, उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, बट जब भी आप किसी एक्शन को इन जनरल भी कर रहे हैं तो उसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के थ्रू क्या करेंगे, शो करेंगे. अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर में मेनली हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला है जो लिखा जाता है. फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट के तरीके से ही पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सेंटेंस में फॉर्मूला जो है, स्ट्रक्चर जो है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली की जाती है. ठीक है, पहले मैं लिखती हूँ अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला. सो इट इज़ गोइंग टू बी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और ये मेरा हो गया फुल स्टॉप. ठीक है, इज एम आर इसका यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन. ठीक है, आर का यूज आप करेंगे प्यूरल नाउन और एम का यूज हम करेंगे आई के साथ में. जनरली सबको पता होता है सिंगुलर नाउन में हम काउंट करेंगे ही शी इट किसी का नाम और आर में हम काउंट करेंगे आई वी यू ये तो है ही. उसके बाद में दे हो गया या फिर दीज गर्ल्स दोज बॉयज और एम के साथ में हमेशा आई का यूज होगा. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्लियर. फिर हम नेक्स्ट लिखते हैं पूरा स्ट्रक्चर का, एक जनरल एग्जांपल देखते हैं दैट शी इज, शी के साथ में सिंगुलर है इसका यूज किया गया, शी इज राइटिंग अ लेटर डिवाइडेड इन पार्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऑब्जेक्ट क्लियर. ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस को लिख सकते हैं. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. जिस तरीके से आप एक फॉर्मूले को लिखते हैं दूसरा फॉर्मूला भी कुछ कुछ उसी वे में लिखा जाता है. तो इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर प्लस नॉट प्लस
वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. शी इज नॉट गोइंग होम, वो घर नहीं जा रही है. शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, वो अपना काम नहीं कर रही है. ठीक है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी रुचि नहीं है. ठीक है. थर्ड वन इज इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव. सो इज एम आर पहले लिख दिया, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी देन ऑब्जेक्ट एंड इट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है. आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू गोइंग होम, आर यू गोइंग टू द मार्केट, आर यू टेकिंग केयर ऑफ माई सन. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव. इंटरोगेटिव नेगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी देन आप लिखिए ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है. एग्जाम्पल देखें अपन. एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक खत नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है. जिस तरीके से ये बना, क्या तुम एक खत लिख रहे हो, क्या तुम एक खत नहीं लिख रहे हो, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, क्या तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, क्या तुम अपने घर की देखभाल करते हो, क्या तुम अपने घर की देखभाल नहीं करते हो. तो उसी वे में इस चीज़ को लिख सकते हैं. फिर आता है डब्ल्यू एच वर्ड. ठीक है. तो वही स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच या फिर एच ओ डब्ल्यू वर्ड फर्स्ट, देन आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब दैट इज गोइंग टू बी इज एम एंड आर प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट और ये मेरा क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, आजकल तुम क्या कर रहे हो. ठीक है. नाउडेज यानी आजकल. हाउ मच आर यू इंटरेस्टेड इन हॉबी क्लासेस, तुम कितने इंटरेस्टेड हो हॉबी क्लासेस में. ठीक है. सो इस तरीके से हम जब स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है सेंटेंसेस को फॉर्म करना. सो दिस इज आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. सिचुएशंस क्लियर हैं, स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं, तो एक्सेस भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. दिस इज इट फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन वी विल रीड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. थैंक यू सो मच एवरीवन.